तो वैसे लोग का स्वागत है आज के नए इंटरव्यू के अंदर। तो दोस्तों कैसे हो यार आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अभी जिंदगी कुछ इस प्रकार से चल रही है कि भैया सुबह उठो खाओ पियो, अगर जिम जाओ तो जिम जाओ, वरना घर आओ खाओ पियो, काम पे जाओ वापस आओ खाओ पियो, वीडियो बनाओ सो जाओ, फिर वापस से एक दिन रूटीन। देखो यही बात को भैया मैं जानता हूँ अच्छे से कि तुम सबकी लाइफ में भी ऐसे कुछ चल रहा है। तुम सबकी लाइफ कैसे चल रही है कमेंट भी उसे बता दें, साथ में इमोजी भी सेंड करना कि भाई कैसे चल रही है, मतलब अगर सैड चल रही है तो भाई अपने यहाँ पे सैड वाली इमोजी भेजना, अगर खुशी चल रही है तो हंसी वाली भेजना, जैसे आपका मूड हो वैसे इमोजी सेंड करना, मजा आएगा अगर कमेंट बढ़ने में, जिससे हमको और भी अच्छा लगेगा। देखो तुम सब लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए, इसीलिए आपका वाई एस यूट्यूब आपको ना बहुत ज्यादा अच्छी अपडेट देने वाला है। साथ ही साथ आपसे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक उसे वॉच कर लेना, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो छोटा सा लाइक है 50 लाइक तो भी लाइक जो सब्सक्राइब के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जैसे कर देना। देखो सब्सक्राइब कर देना आपके वीडियो चैनल आपको डेली ऐसे कंटेंट इसलिए मिलते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जैसे कर देना। तो अब लोग करते वीडियो को, देखो इससे पहले भाई उनके बोलते हैं कि भाई अपने यहाँ पे जो टाइटन स्कार है ना अपन सबको अपने गेम के अंदर कब तक रन देखने को मिलेगी। तो देखो भाई बात ऐसी कि यहाँ पे जो टाइटन स्कार है ना अपन सबको रन देखने को मिलने वाली है। देखो ना यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी बट जो सच है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो दोस्तों बात ऐसी कि अपने यहाँ पे जो टाइटन स्कार ना उसका इवेंट अभी हाल फिलहाल कुछ ही महीनों पहले आपको जो मेन ग्रैंड प्राइज हमारे टाइटन स्कार थी वो नहीं दी गई, ठीक है। बाकी जो उसकी मतलब की भाई बहन थे ना उसकी वो रिटर्न दी गए। तो आप लोग बात करोगे टाइटन स्कार अपन सबको कब तक देखने को मिलेगी, तो देखो ये बात ऐसी कि अपने जो टाइटन स्कार है तो भाई देखो आने वाले भी दिवाली मंथ के अंदर बहुत सारी वीडियोस बनेंगी कि भाई टाइटन स्कार दिवाली पे आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो इस तरह से गई ने कोई अपडेट नहीं दिया कि दोबारा से टाइटन स्कार को कब देखने मिले। ऑलरेडी इसका जो इवेंट है ना कुछ ही दिनों पहले आके गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको मेरे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जैसे इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिलती है मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। कि बोलते हैं कि भाई पोकर MB40 की स्क्रीन अपन सबको कब तक देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो के एंड में आपको एकदम कन्फर्म पता चल जाएगा कि पोकर MB40 की स्क्रीन अपन सबको कब तक देखने को मिल सकती है। अब अगले भाई कमेंट बोलते हैं कि भाई ट्यून्स ऑफ रेजिडेंट MB40 की स्क्रीन अपन सबको कब तक देखने को मिलेगी। तो देखो भाई जो स्क्रीन है भाई ये अपने बहुत टाइम पहले अपने आई थिंक 5th एनिवर्सरी रिटर्न आई थी, ठीक है। तब वहाँ जस्टिन बीबर के साथ कोलैबोरेशन हुआ था तो उसी की स्पेशल में गरीना ने अपन सबको स्क्रीन दी थी। अब आप अगर चाहते हो कि भाई दोबारा से रिटर्न आए तो भाई गरीना को दोबारा से इसका कोलैबोरेशन करना पड़ेगा हमारे जस्टिन बीबर भैया के साथ, और जैसे वो कोलैबोरेशन करेगी ना तभी जगह अपन सबको रिटर्न देखने को मिलेगी। और हाल फिलहाल तो आपको जस्टिन बीबर के साथ कोलैबोरेशन दोबारा से नहीं देखने को मिलेगा, तो मतलब ये कि दोस्तों आपको आने वाले कुछ महीनों के बाद अगर गरीना हमसे दोबारा कोलैबोरेशन करती ना तभी जाके आप लोग उसको रिटर्न देखने को मिलेगी। भाई कम के बोलते हैं कि स्कॉर्पियन M1040 अपन सबको कब तक देखने को मिलेगी, तो देखो भाई अपने यहाँ पे जो स्कॉर्पियन M1040 ना आने वाले अगस्त मंथ के अंदर देखने को मिल सकती है। अब देखो जैसे कि भाई मैंने इससे रिलेटेड ना ऑलरेडी डेटेड बना रखी है जिसके अंदर मैंने सबको सब कुछ बताया है कि अपने यहाँ पे जो स्कॉर्पियन M1040 है उसका ऐसा इवेंट आ सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 90% चांसेस हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में अपना जो स्कॉर्पियन बंडल है ना वो रिटर्न देखने को मिलेगा। तो स्कॉर्पियन बंडल रिटर्न आया तो जाहिर सी बात है अपन सबको यहाँ पॉसिबल है कि अपने यहाँ पे जो इवो M1040 है ना स्कॉर्पियन वाली तो वो भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि भाई अपने यहाँ पे जो ब्लैक टी शर्ट है ना अपन सबको कब तक रिटर्न देखने को मिलेगी, तो देखो दोस्तों बात ऐसी कि अपने यहाँ पे जो ब्लैक टी शर्ट है ना अपने विंटर कोलैबोरेशन की टी शर्ट है, ठीक है। तो आने वाले यहाँ पे दिवाली मंथ जैसे खत्म होगा ना तो उसके बाद दोस्तों अपने यहाँ पे ब्लैक टी शर्ट का जो इवेंट है भैया वो लक रॉयल में आ सकती है या फिर हमारे रिंग इवेंट में भी आ सकती है, तो उसी के बाद आपको देखने को मिलेगा। देखो अगले पे कम के बोलते हैं कि भाई रैम्पेज बंडल अपन सबको कब तक देखने को मिलेगा, तो देखो भाई जैसे कि मैंने आपको भैया बहुत बार बताया कि रैम्पेज अपना जो पिछले साल 2023 का रैम्पेज था ना वो फाइनल रैम्पेज इवेंट था, मतलब कि भाई वो लास्ट रैम्पेज का इवेंट था। अब आपको रैम्पेज का आगे बढ़ा हुआ इवेंट देखने नहीं मिलेगा। हाँ ये जो बंडल्स वगैरह ना ये रिटर्न आएंगे। अब कब रिटर्न आएंगे दोस्तों इसके लिए गरीना हमारा न्यू इवेंट डिजाइन करेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो रैम्पेज का कोलैबोरेशन ना ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, दोबारा आपको रैम्पेज का जो कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगले वीक उनके बोलते हैं कि भाई क्रिमिनल बंडल्स है ना अपन सबको कब तक रिटर्न देखने को मिलेंगे, तो देखो दोस्तों 2023 के दिसंबर मंथ के अंदर अपन सबको क्रिमिनल बंडल रिटर्न देखने को मिले। तब गरीना के पास साफ कही थी कि भाई एक साल से पहले पहले ही रिटर्न नहीं आने। अगर आप है ना मेरे भाई यहाँ पे क्रिमिनल बंडल का वेट कर रहे हो ना तो आपको आने वाले यहाँ पर दोस्तों मार्च मंथ या फिर जनवरी मंथ के अंदर हमारा क्रिमिनल बंडल का रिंग इवेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिसंबर मंथ से तो पहले पहले नहीं आने वाला है, तो दिसंबर मंथ या फिर दिसंबर मंथ के बाद ही आपको इसका इवेंट देखने को मिलेगा। अपन के बोलते हैं कि भाई अपना यूनिवर्सल टोकन का जो रिंग इवेंट है ना अपन सबको अपने गेम के अंदर कब तक देखने को मिलेगा, तो देखो ये बात ऐसी कि अपने यहाँ पे जो यूनिवर्सल टोकन का रिंग इवेंट है ना ये अपन को देखने को नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो,
देखो दोस्तों, बात ऐसे कि यहाँ पे जो ईवो टोकन से रिलेटेड अपने गेम के अंदर ऑलरेडी एक इवेंट आता है और आई थिंक वो इवेंट चल भी, इसका नाम है ईवो बनानजा इवेंट, ठीक है। अब ये जो बाहर के सर्वर से ना, वहाँ के सर्वर के लिए दोस्तों ये इवेंट है, अपने इंडिया सर्वर पे ऐसे इवेंट इन फ्यूचर आ सकते हैं, बट अभी हाल फिलहाल तो नहीं आने वाले। उनके बोलते हैं कि भाई M17 अपन सबको कब तक देखने मिलेगी, तो देखो भाई यहाँ पे जो M17 तो अपन को यहाँ पे कुछ महीनों के बाद देखने मिलने वाले। जैसे कि आपको भैया यहाँ पे मैंने एक इवेंट दिखाया था M17 का रिंग इवेंट, जिसके अंदर भी आपको यहाँ पे बहुत सारे M17 जो इंक्यूबेटर वाले M17 ना, इनका गेना एक रिंग इवेंट बनाया। आपको भाई पता है गेना आजकल क्या कर रहा है कि अपने यहाँ पे दो इंक्यूबेटर्स को बुला के उसका एक न्यू रिंग इवेंट बनाया। तो आपको उसका जो इवेंट है वो सिंगल देखने को मिलेगा, नहीं तो दोस्तों उसके साथ आपको एक और गन की स्किन गेना ऐड कर सकते हैं। वो कौन सी स्किन होगी वो कुछ कह नहीं सकते, बट आपको M187 यहाँ पर एक्स करके ना यहाँ पर और भी इवेंट देखने को मिल सकता है। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स, अगर आपका भी ऐसे कोई क्वेश्चन कमेंट रहता है तो प्लीज अकाउंट से पूछना, नेक्स्ट ब्लॉग उसके नंबर से रिप्लाई मिल जाएगा। बात ऐसे कि आप लोग बहुत टाइम से अपने जस्ट फ्रेंड का वेट कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे गई ना एक न्यू इवेंट ला सकती है, जिसके अंदर आपको ना यहाँ पे जो बहुत सारी जो भैया पेंट्स की स्किन थी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर हमारे जस्ट फ्रेंड देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद है ना भाई यहाँ पर ना हमारे जो बैंडेड बंडल की पेंट थी, मतलब जितनी पे पेंट्स थी ना, रेयर पेंट्स थी, केवल जिनकी डिमांड है, ठीक है, तो वो जो उनका जो पेंट्स है ना अपन सबको यहाँ पर देखने को मिल सकता। अभी देखो इसका इवेंट तो कंफर्म नहीं कि अपन कोई लक रोल में देखने को मिले क्या, पर दोस्तों कोई मोको स्टोर इवेंट देखने को मिल सकती है, या फिर हमको ना फैड एवल इवेंट देखने को मिल सकती है। तो हाल फिलहाल का इवेंट मैं आपको कन्फर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ दोस्तों इतना पता है कि आपको आने वाले यहाँ पे नेक्स्ट मंथ या फिर उससे अगले मंथ सितंबर मंथ के अंदर इसका जो इवेंट है वो देखने को मिल सकते हैं मॉर्निंग में। बहुत ज्यादा एक तगड़े इवेंट के बारे में बताता हूँ। देखो दोस्तों, जब इस इवेंट का प्री एक्सेस कर रहा था ना, तो यहाँ पे टेम्पररी क्लोज दिखा रहा था, मतलब भाई ये अपनी इंडिया सर्वर पे ना एक से दो हफ्तों के अंदर या फिर दोस्तों पॉसिबल है नेक्स्ट वीक के अंदर अपन को रिटर्न देखने को। फेवरेट यहाँ पे भैया लोकेश गेमर बंडल है, यहाँ पे ना भैया ओल्ड जो बंडल्स है ना वो सबके सब रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितने भी बंडल्स देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे रेयर बंडल्स हैं एंड ये हमारे ओल्ड बंडल्स हैं, ठीक है। तो ये अपने गेम के अंदर भैया अपन सबको ना यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों ये जो इवेंट है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एंड बहुत ज्यादा भैया महंगा इवेंट, उसके अंदर शायद ही ऐसा फ्री फायर का कोई बंडल होगा, मतलब जो नॉर्मल लेजेंडरी बंडल्स आते हैं ना, शायद ऐसा कोई बंडल होगा जिसके अंदर नहीं देखने को मिले, ठीक है। मतलब ओल्ड से लेकर न्यू बंडल्स के सारे देखने को मिलने वाले हैं, बस हमारे ईवो बंडल से वो देखने को नहीं मिलेंगे। एंड हमारे यहाँ पे दोस्तों जो आप सभी की फेवरेट यहाँ पे जो हमारे लेजेंडरी बंडल्स है ना वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी हाँ यहाँ पे जो अपने ओल्ड बंडल्स है ना वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे वेब इवेंट्स में आते थे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स एंड अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट, ठीक है। तो अगर आपका इस सेट को भी करने से नजर आया तो प्लीज अकाउंट से पूछ लेना, नेचुरल को उसका नंबर से रिप्लाई मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, छोटे से लाइक में 50 लाइक एम, तो प्लीज लाइक उसे कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट उसे कर देना, जिससे आपको डेली ऐसे कंटेंट इसलिए मिलते रहे। देखो आपने बात करे भाई पोकर मी 40 कब तक आएगी, तो देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बहुत बार अपडेट दी है कि पोकर मी 40 अपन सबको आने वाले यहाँ पे 3 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। आप लोग बोलो कि भाई 3 महीने तो ठीक है, लेकिन यहाँ डाओ कि हाँ इस महीने के अंदर आ सकते हो, डेट का यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं 100% कंफर्म डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ यहाँ पे मंथ वगैरह की आपको मैं यहाँ पे लीक्स थोड़ी सी दे सकता हूँ। देखो दोस्तों अपन सबको यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि या तो दिवाली इवेंट में देखने को मिलेगी या फिर दिवाली इवेंट के बाद देखने को मिलेगी, मतलब कि मान चलो अक्टूबर या फिर नवंबर, लास्ट हमारे यहाँ पे नवंबर के एंड तक आप लोग वेट करो, आपको यहाँ पे पोकर मी 40 100% कंफर्म है कि रिटर्न देखने को। दोस्तों यहाँ पे जितने भी सर्वर्स की यहाँ पे प्रीएक्सेस कर रहा हूँ ना, तो उसके अंदर हमारे पोकर मी 40 कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए कन्फर्म है कि अपने एंड सर पे यहाँ पे ना अपन को नवंबर मंथ के खत्म होते होते या फिर खत्म होने से पहले ही अपन सबको यहाँ पे जो पोकर मी 40 की स्किन है वो रिटर्न देखने को मिल जाएगी। एंड आई होप कि आपको ना इससे टाइप कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गया, अगर कन्फ्यूजन रह गया हो तो प्लीज अकाउंट से पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। सो मिलते हो किसी वीडियो के साथ, तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।